झारखंड सरकार अपने 3 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां गिना रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जन आक्रोश रैली के माध्यम से राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। गुरुवार को जमशेदपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 साल पूर्व मुख्यमंत्री बनने से पहले हेमंत सोरेन ने इसी जमशेदपुर की धरती पर शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल से सरकार बनने के बाद हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देने, रोजगार नहीं देने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। सरकार बनने के 3 साल बाद भी हेमंत सोरेन अपने वादों पर खरे नहीं उतर सके हैं। ऐसे में राज्य के युवाओं में भारी आक्रोश है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए जन आक्रोश रैली निकाला। उन्होंने बताया कि युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश है और इसका परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। बुनियाद में बनी हुई सरकार आज अब तक 3 वर्ष पूरा करने जा रही है। 3 वर्ष पूर्व इसी जमशेदपुर की धरती में शहीद निर्मल महतो जी के समाधि स्थल में हेमंत सोरेन ने युवाओं को वादा किया था कि आप मेरी सरकार बना दो, मैं प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। रोजगार नहीं दूंगा तो बेरोजगारी भत्ता देने का काम करूंगा। आज सरकार बने 3 वर्ष पूरा होने जा रही है, हेमंत सोरेन के द्वारा एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया। आज युवा में भारी आक्रोश है। युवा हेमंत सोरेन से पूछना चाहती है कि आपने हमको झूठा वादा क्यों किया। आज इन्होंने एक नियोजन नीति बनाया था, एक ऐसा नियोजन नीति जिसे हाईकोर्ट ने केवल रद्द नहीं किया बल्कि हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को फटकार भी लगाने का काम किया। और साथ ही साथ आज हम हेमंत सोरेन से पूछना चाहते हैं कि आप अगर युवा को रोजगार नहीं दे सकते हैं तो आप अभी हम पद छोड़िए, नहीं तो युवा आपको पद छोड़ने में मजबूर कर देंगे। आज जन आक्रोश रैली कहाँ से कहाँ तक निकाले आप लोग? साक्षी भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय से लेके साक्षी को चक्कर तक हम लोग मार्च करेंगे। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।